अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और आप कोलेस्ट्रॉल को सही करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह अभ्यास सबसे उत्तम अभ्यास है। प्रतिदिन आप एक मिनट भी इस अभ्यास को करते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल से निजात पा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस अभ्यास को करते कैसे हैं, तो आइए मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम का अभ्यास कौन सा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं। अब सुख आसन क्या है, कई व्यक्ति सोचते हैं कि क्या बोल दिया ये, सुख आसन क्या है। तो सुख आसन इस प्रकार की शरीर की स्थिति है जिसमें आपको किसी भी खिंचाव तनाव दबाव पड़े हुए शरीर पर आपको एकदम सहज रूप से बैठना है, जिस स्थिति में आप एक लंबे समय तक बैठ सके। अब आपको क्या करना है, कमर और गर्दन को, अपनी बैक को और अपनी नेक को स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या चिन मुद्रा बनाकर घुटने पर रखें और अपने एल्बो को, अपनी कोहनी को हल्का सा पीछे की ओर खींचे, जिससे कि चेस्ट को मदद मिले, लंग्स फूलने में, श्वास को भरने में मदद मिलेगी। अगर आप हाथों को आगे रख के बैठते हैं तो चेस्ट अंदर चली जाती है और श्वास पूरी नहीं ले पाते हैं, श्वास को ढंग से अंदर नहीं भर पाते हैं। इसलिए हाथों को हल्का सा पीछे खींच के रखें और फिर लंबा गहरा श्वास भरें और फिर लंबा गहरा ही श्वास बाहर छोड़ें। डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल, 3 से 4 बार इनहेल और एक्सहेल करने के बाद आप सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं। अब प्रणव मुद्रा क्या है, फर्स्ट 2 फिंगर को जब हम बेंड करते हैं तो यह प्रणव मुद्रा बनती है। अब आपको सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नासिका छिद्र को बंद करना है, सीधे नाक के छेद को बंद करना है और बाएं नाक के छेद से इनहेल एक्सहेल श्वास तेजी से भरनी है और तेजी से छोड़नी है, सिर्फ 10 बार इस प्रकार। इस प्रकार आपने दाएं नासिका को बंद किया और बाएं से इनहेल एक्सहेल किया 10 बार। अब बाएं नासिका छिद्र को, बाएं नाक के छेद को बंद करें और दाएं नाक के छेद से ही 10 बार इनहेल एक्सहेल करें, भीतर भरें श्वास को और बाहर छोड़ें इस प्रकार। जब 10-10 बार दोनों नासिका छिद्र से कर लें तब अंत में एक लंबा गहरा श्वास भरें और भीतर ही रोक लें। जब तक आपकी क्षमता है तब तक श्वास को भीतर रोक के रखें, होल्ड रखें और फिर धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपका फोरहेड, आपका माथा, आपका सिर भारी होने लगेगा, हो सकता है चक्कर भी आए, ब्लैक आउट भी हो जाए, आंखों के आगे अंधेरा भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, परंतु धीरे धीरे यह भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा जब आप इस अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे। तो 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट प्रतिदिन आप इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।